नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कुश्ती के बाद बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की सियासत में एंट्री, कांग्रेस में शामिल हुए रेसलर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके पूर्व विनेश फोगाट ने रेलवे की सेवा से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि विनेश फोगाट को कांग्रेस दादरी से टिकट दे सकती है, जबकि बजरंग पुनिया को किसी जाट बहुल सीट से उतारा जा सकता है। हालांकि बजरंग पुनिया बादली से टिकट मांग रहे हैं। पिछले काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। वहीं हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने कहा कि अगर विनेश फोगाट देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं, तो हमें क्या एतराज होगा। कांग्रेस पहले दिन से ही पहलवानों के आंदोलन के पीछे थी, वरना फैसला हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आरक्षण संबंधी याचिका पर जारी किया नोटिस। राजद ने दायर की थी याचिका। बिहार में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इससे पूर्व सरकार के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने RJD की याचिका को बिहार सरकार की याचिका के साथ कर दिया है। इससे पूर्व जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण मामले से जुड़ी सुनवाई में पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया था और सितंबर में सुनवाई के लिए कहा था। RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कसा शिकंजा, ED ने मारे छापे। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर ED का शिकंजा कसता जा रहा है। CBI ने भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने संदीप घोष और उनके करीबियों के 5-6 ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें RG कर अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी का घर भी शामिल है। उधर CBI की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। बताया जाता है कि आरोपी का DNA और मृतका का DNA मैच कर गया है। CBI ने फाइनल ओपिनियन के लिए DNA रिपोर्ट एम्स भेजी थी, जहां डॉक्टरों का पैनल रिपोर्ट की बारीकी से अध्ययन कर रहा है। माना जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट जल्द ही CBI को वापस मिल जाएगी। कुंभ से उर्दू शब्द शाही और पेशवाई हटाने की तैयारी, जल्द बुलाई जाएगी अखाड़ा परिषद की बैठक। उत्तराखंड के हरिद्वार में संतों ने हिंदू धार्मिक संदर्भों में इस्तेमाल किए जाने वाले उर्दू शब्द शाही को हटाने की मांग की है। इसके स्थान पर हिंदी या संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। इससे पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में बाबा महाकाल की निकलने वाली शाही सवारी से शाही शब्द हटाकर इसके स्थान पर राजसी सवारी कर दिया था। अब हरिद्वार में संतों ने कहा कि जल्द ही यहाँ विभिन्न अखाड़ों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें शाही या पेशवाई जैसे शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्दों के इस्तेमाल का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। शाही शब्द का इस्तेमाल अक्सर कुंभ आयोजन के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा कि शाही शब्द भारतीय संस्कृति की परंपरा में नहीं है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, टीना डाबी और उनके पति को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान सरकार ने 13 जिलों के कलेक्टर समेत 108 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम IAS अधिकारी टीना डाबी और उनके पति प्रदीप गवांडे का है। टीना डाबी को बाड़मेर का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि उनके पति डॉक्टर प्रदीप गवांडे को उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर से स्थानांतरित कर जालोर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। टीना डाबी इससे पहले जैसलमेर की कलेक्टर रही हैं। UPSC टॉपर IAS टीना डाबी और प्रदीप गवांडे साल 2022 में शादी के बंधन में बंधे थे। टीना डाबी की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले टीना डाबी ने IAS आमिर अथर खान से शादी की थी। बाद में निजी कारणों से दोनों का तलाक हो गया था। सिंगापुर मंगोलिया के मैच में बना गजब का रिकॉर्ड,
पूरी टीम 10 रन पर आउट 5 गेंदों में मैच खत्म। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप एशिया क्वालिफायर ए के तहत हुए मंगोलिया और सिंगापुर की टीमों के बीच मुकाबले में गजब का रिकॉर्ड बन गया। मैच में पहले बैटिंग करने उतरी मंगोलिया की टीम मैच 10 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह मंगोलिया के नाम अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। यह पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे कम स्कोर है, जो पिछले साल स्पेन के खिलाफ आइल ऑफ मैन के स्कोर से बराबर था। वहीं सिंगापुर ने मंगोलिया के खिलाफ मात्र 11 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली गेंद पर एक विकेट गंवा दिया, लेकिन केवल 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। मंगोलिया की टीम ने 10 ओवर तक बल्लेबाजी की, लेकिन महज 11 रन बना सकी। थलपति विजय की फिल्म ने रचा इतिहास, ओपनिंग डे पर कमाए 43 करोड़। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। वीकेंड प्रभु के निर्देशन में बनी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो अधिकांश सिनेमाघरों में हाउसफुल रहा। एडवांस बुकिंग में भी थलपति विजय की मूवी ने कई बेंचमार्क सेट किए। वेबसाइट सेक्निक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने ओपनिंग डे पर 43 करोड़ रुपए की कमाई की है। माना जा रहा है कि यह फिल्म भारत में अपने पहले वीकेंड 100 करोड़ रुपए की कमाई का बेंचमार्क बनाएगी। इससे पहले थलपति विजय की फिल्म लियो ने शुरुआती दिन दुनिया भर में लगभग 142 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में नया बेंचमार्क सेट किया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।